कुछ दिनों पूर्व अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री, पंचायत मंत्री, मुख्य सचिव के नाम मध्य प्रदेश शासन को सौंप चुके हैं ज्ञापन। ज्ञापन सौंपने के बाद भी मांगे पूरी नहीं होने के चलते अपने कलम बंद कर बैठे धरने पर जनपद पंचायत कार्यालय के सामने अपने कलम बंद कर बैठे धरने पर मध्य प्रदेश पंचायत ग्रामीण विकास विभाग मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा विभाग होने के नाते जनपद और जिले में प्रदेश संयुक्त मोर्चा के समस्त संगठनों के कर्मचारी अधिकारी 52,000 गांवों में सरकार के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए दिन रात एक करके मेहनत करते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रदेश सरकार की गुड लिस्ट में नंबर वन बनाने की होड़ में ग्राम पंचायत के सबसे छोटे कर्मचारी, रोजगार सहायक से लेकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित जनपद पंचायत के हित में कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। ग्लोबल इंडिया टीवी न्यूज के लिए पन्ना से जिला ब्यूरो रजनीश रामदेव की रिपोर्ट। आज हमारी जो मांगे रखी गई हैं, पहले भी पूर्व में हम लोग सूचित कर चुके हैं। 19 तारीख को हमने एक ज्ञापन सौंपा हुआ था जिसके तहत 2 दिन हम लोगों ने अवकाश लिया हुआ था और आज से हमने 22 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए हमारी जो मांगे रखी गई हैं उसके लिए हम धरना प्रदर्शन आज से प्रारंभ कर रहे हैं। हमारी जो प्रमुख मांगे हैं उसमें हमारे जो भी समस्त विभाग हैं उसमें समस्त विभागों की कुछ ना कुछ जो समस्याएँ चल रही हैं उसको लेके शासन से हम कुछ मांग कर रहे हैं कि हमारे जो संविदा साथी हैं उनका नियमितीकरण बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इस पर जो आज मनरेगा की स्थिति हो गई है, जो एक मांग आधारित योजना है उसको आजकल टारगेट देके उसको इतना प्रताड़ित किया जा रहा है हमारे कर्मचारियों को कि टारगेट इतने बैठे हैं जी। जैसा कि आप सभी को विदित ही होगा कि गत 12 जुलाई से हमारे इस धरने कार्यक्रम का लगभग आगाज हो चुका था। 12 जुलाई को हम लोगों के द्वारा एक दिवसीय सामूहिक अवकाश लेकर के विभिन्न मांगों के तहत शासन को ज्ञापन दिया गया था जिस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके पश्चात 19 और 20 जुलाई को हम लोग सामूहिक अवकाश पर थे, फिर भी सुनवाई न होने के पश्चात दिए गए ज्ञापन अनुसार आज दिनांक 22 जुलाई से हमारा जो यह संयुक्त मोर्चा संगठन है संपूर्ण, हम लोगों ने विगत दिनांक 12 तारीख को अपनी 17 सूत्रीय मांगों के संबंध में एक संयुक्त मोर्चा का गठन करके ज्ञापन दिया था शासन को, और जिसमें हमने 7 दिन का समय दिया था शासन को कि हमारी जो जायज़ मांगे हैं वो पूरी करी जाएं। उसमें कुछ आर्थिक और कुछ अनार्थिक मांगे भी थी, किंतु शासन के द्वारा एक सप्ताह का समय दिया गया लेकिन कोई